कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, गद्दारी लोभ दी मुठ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। बैठे सुत्या फड़े जाना बुरा तो है, डरो जही चुप विच सड़े जाना बुरा तो है, पर सब तो खतरनाक नहीं हुंदा कपट दे शोर विच सही हुंदिया भी दब जाना बुरा तो है, किसे जुगनू दी लो खातिर पड़न लग जाना बुरा तो है, पर सब तो खतरनाक नहीं हुंदा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल मर जाना, ना होना तड़पता सब कुछ सहन कर जाना, करा तो निकलना काम ते काम तो करा। सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनिया दा मर जाना। पाश केवल नाम नहीं बल्कि एक सोच है, अजही सोच जिसने सोचन समझन आवाज चुकन लई मजबूर कर दिता। आज उसे सोच नू नेड़े जानन लई गल करांगे अवतार सिंह संधू यानी कि पाश दे जीवन बारे। दुआबे दा रहण वाला अवतार सिंह संधू अपनी लिखता सदका बनिया पाश, ते पाश बन के वह हमेशा दे लई साडे ज़हन दे विच वस गया। उसकी जुझारवादी सोच उसके आजाद सुभा की झलक पेश करती सी, उसके तिखे बोल हुक्मराना नू सवाल करते सन, ते यही तिखे बोल उसकी मौत का कारण भी बने। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत, मैं रजिंदर कौर। इस खास रिपोर्ट राही असी गल करांगे पाश की जिंदगी बारे, उस दीयां लिखतां बारे, आजाद सुभा बारे अते नाल ही उस दी होई मौत बारे। अवतार सिंह संधू का जन्म 9 सितंबर 1950 नूं पिंड तलवंडी सलेम जिला जलंधर विच होया। उसकी तिखी लिखत ते आजाद सोच कारण उसनूं 37 साल की उम्र विच कतल कर दिता गया। पर इस छोटी जिही जिंदगी विच पाश लोकां दे दिल ते दिमाग विच वस गया ते मर के भी सदा लई अमर हो गया। पाश दे पिता सोहन सिंह संधू भारतीय फौज विच सन। पाश नूं लिखण दी चेटक उसदे पिता तों ही लगी सी। पाश भारत दे आम लोकां दी गरीबी तों प्रभावित होया ते अल्लड़ उम्र विच ही विद्रोही कविता लिखण लगा। उसदी जवानी दे दिनां विच पंजाब दे किसान, विद्यार्थी अते मजदूर समय दे प्रशासन विरुद्ध नक्सलबाड़ी अंदोलन नां दा हथियारबंद संघर्ष लड़ रहे सन। 1970 दा समां पंजाब दी राजनीति दा जुझारू युग मन्निया जांदा है। पाश ने 9वीं जमात विच दाखल होण दी थां कपूरथले खुले तकनीकी स्कूल विच दाखला लिया। एक बार तां लगदा है कि पाश रोजगार प्रति चेतन है, पर उसने डिप्लोमा पास ही नहीं किया, सगो उसकी खब्बे पक्खी राजनीतिक कारकुना नाल मेल जोल की शुरुआत हो गई, जिस तो बाद पाश की जिंदगी का रुख ही बदल गया। पाश की पहली किताब लोक कथा 1970 विच छपी। उसकी आजाद सोच ते तिखे बोलां ने उसनू मुसीबतां विच पा दिता। उस उपर कतल की केस की धारा लगा के 2 साल लई उसनू जेल विच भेज दिता गया, पर यह जेल भी उसके पक्के इरादियां नू बदल नहीं सकी, बल्कि वह अपने बोलां दा होर ज़्यादा पक्का हो गया ते चल पिया जुझारवादी सोच वाल। बरी होने तो बाद पंजाब दिया मायोवादी जत्थेबंदियां विच सरगर्म हो गया। इस तो बाद उसने स्याड़ नामी परचे की संपादना की। पाश की प्रगतिवादी कविता विद्यार्थियों, कम्यूनिस्टा अते खब्बे पक्खी बुद्धिजीवियों विच बहुत प्रसिद्ध हुई। पाश आधुनिक पंजाबी काव्य का समर्थावान, चिंताशील ते मकबूल कवि होया। 1974 विच पाश की दूजी काव्य पुस्तक उड़दे बाजा मगर छपी। मई 1974 विच हुई रेलवे हड़ताल दौरान पाश की गिरफ्तारी हुई, रिहा हो के हेम ज्योति की संपादकी की। कुछ समा देश प्रदेश का पत्र प्रेरक रहा अते इसे समय पाश ने मिल्खा सिंह एथलीट की स्वै जीवनी फ्लाइंग सिख लिखी। असी पाश दीयां कवितावां ते उस दे तलक सुभा बारे तो हमेशा ही सुनिया होगा, पर उन्हां दा नाम पाश किवें पिया इस पिछे भी विलखण कहानी है। अवतार सिंह संधू का पाश बनन का किस्सा प्रेम दीयां डोरां नाल बज्जा होया है। जुझारवादी मार्क्सवादी विचारधारा तिखे शब्दों वाले पाश के दिल के एक कोने विच प्यार भी समोया सी। अवतार सिंह संधू तो उसने अपना उपनाम पाश रखिया। इस दे पिछे दी कहानी उसका अपनी अध्यापिका प्रवेश नाल मोह है। उसने अपना नाम इसे अध्यापिका दे नाम दे पहले ते आखरी अक्षर नाल जोड़ के बनाया। पाश शब्द फारसी भाषा का है, जिस दे अर्थ छिड़कन वाले जां फैलाउण वाले ने। पाश दी जिंदगी दा ए पक्ष उस अंदर दे मोह नूं उजागर करदा है। ए प्रेम उस दी कविता ओहदे नां विच साफ झलकदा है। मेरी महबूबा,
तैनू भी गिला होना मुहब्बत दे, मेरे खातर तेरे अथरे जहे चावां दा की बनिया। तू रीजा दी सूई ना उकरियां से रुमाला दे, उना तुप्पा दा की बनिया, उना छावां दा की बनिया। कवि होके किदा अनपढ़ी छड़ी जांदा हां, तेरे नैणा दे अंदर लिखी हुई इकरार दी कविता। तेरे लिए राखवे होठा ते है पत्थरा गई अड़िए, बड़ी कौड़ी बड़ी बेरस मेरे रुजगार की कविता। 1978 विच पाश दा विआह मापिया दी मर्जी नाल राजविंदर कौर संधू नाल होया। इन्हीं दिनी सितंबर 1978 नूं पाश दा तीजा ते आखरी काव संग्रह साढ़े समयां विच छपदा है। ग्रहस्थी जीवन दी गड्डी नूं तोरन लई पाश ने गुआंढी पिंड उग्गी विखे गुरु नानक नैशनल मॉडल स्कूल खोल लिया अते इसे नाल उसने हथ लिखत परचा हाक कढ़ना शुरू कर दिता। पर पाश पंजाब दे विगड़ रहे माहौल कारण ना स्कूल चला सकिया अते ना ही हाक परचे नूं लगातार कढ़ सकिया। नक्सलबाड़ी लहर दे पंजाब विचो बिखरन अते विचारधारा विखरेवियां वाली लहर ने पंजाब विच जोर फड़न ने पाश दियां मुश्किलां वधा दित्तियां। 19 जनवरी 1982 नूं पाश दे घर ती विंकल ने जन्म लिया, जिसने पाश दियां जिम्मेवारियां नूं वधा दित्ता। इस माहौल विच ओह अपने आप नूं असुरक्षित महसूस करन लगा सी, पर फिर भी ओह दोस्तियां निभाउंदा जिंदगी दियां धुप्पां छावां हंडाउंदा त्यौहार मनाउंदा उमर दे हर पल नाल खह के लंघदा रिहा। पाश जिंदगी दियां तलक हकीकतां दे नाल खह के लंघदा रिहा। ओह समें नाल लड़दा रिहा, हालातां नाल जूझदा रिहा। माड़े हालातां दे विच चक्खड़ हनेरियां विच भी चौराहे दीवा बालण दा हौसला रखदा रिहा। उसदा सारा जीवन उस दियां कवितावां विच ढलदा रिहा। इसे लई उस दियां कवितावां विलखण ते सजरा मुहांदरा रखदियां ने। 1985 विच पंजाबी साहित अकादमी ने पाश नूं एक साल दी फॉलोशिप दित्ती। पाश ने बाहरले देशां दियां बहुत फेरियां लगाईयां। 1986 विच ओह अमरीका दी फेरी उत्ते सी, तां उत्थे उसने NT-47 फ्रंट नामी परचा कढ़िया। इस परचे विच उसने 1980 विच वक्खरे राज खालिस्तान दी मंग दा विरोध कीता, जिस कारण 23 मार्च 1988 विच उसदे खेत विच पाश दा कतल कर दिता गया। ए इतफाक सी कि 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दा भी शहीदी दिन है, ते इसे दिन पाश नूं कतल कर दिता गया। एसी अवतार सिंह संधू यानी कि पाश दी जिंदगी दी एक छोटी जही झलक। इसे उम्मीद दे नाल कि उस दियां लिखता हमेशा ही साडे जहन दे विच जिंदा रहणगियां। लैने आ तुहाडे तो इजाजत, कैमरामैन जतिन दे नाल रजिंदर कौर, दैनिक सवेरा। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।